चल, मैंने पहले भी कहा था और फिर से कह रहा हूं, तू अपनी शादी में मेरे दिए हुए गहने और कपड़े पहनो, एंड आई होप तुम मेरा ये रिक्वेस्ट पूरा करोगी। क्यों क्यों पहनेगी ये वो सब? तुम्हारे लाए हुए गिफ्ट्स पहनना इसके लिए इतना जरूरी क्यों है अनी? व्हाई? सब इसके लिए गिफ्ट्स लाए हैं, मॉम लाई है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है? हाँ वैल्यू है, डेफिनेटली वैल्यू है, लेकिन मेरे गिफ्ट चैरिटी नहीं है, मैंने दया करके नहीं दिया है और ना ही कोई एहसान किया है। जनक को गिफ्ट देते वक्त आई एम फीलिंग ऑनर्ड, अरे प्राउड फील कर रहा हूं मैं, इसे घर पे इतना काम किया है वो भी फ्री में, तब तो तुम लोगों ने कुछ नहीं दिया। आज जब इसकी शादी हो रही है आगे चैरिटी करने के लिए, लेकिन मैंने जनक को वही दिया है जो ये डिजर्व करती है। आई एम रियली सॉरी, मैंने शायद गलत कह दिया, ये उससे भी ज्यादा कुछ डिजर्व करती है, लेकिन मैं अभी फिलहाल सिर्फ यही अफोर्ड कर सकता हूँ, तो जितना बन पाया मुझसे मैंने दे दिया। तुम क्या कह रहे हो, क्या कहना क्या चाहते हो? अभी तो मतलब समझाया मैंने और कितना एक्सप्लेन करूं, सब तो बोल दिया। सर जी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आपका दिया नहीं ले सकती हूँ मैं, जो घर वालों ने मुझे दिया ना मैं वो पहनूंगी। hey! जनक, इस घर में सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ। hey! I know, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, इसलिए मेरे इस बात के पीछे का कारण तुम समझती हो, घर में सब समझते हैं, डोंट वरी, जो तुम्हारी अहमियत जानता है, जो तुम्हारी वैल्यू जानता है, तुम उसी का दिया हुआ तोहफा पहनोगी। पहले पीछे क्या हो रहा है, ये ओके बढ़िया काटो।